ये वाला। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज है संडे और आज छुट्टी का दिन है, सब लोग घर पे ही है। सामने देखो CISF में, मतलब सुबह 7 से 8 बजे के बीच में यहाँ पर ये लोग ये मार्चिंग ही करते रहते हैं। देखो मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, ये ऐसी कॉस्ट्यूम पहन करके, और सुबह से मेरे ख्याल से शाम तक या दोपहर तक, मैंने टाइम नोट ही किया, तब तक ये लोग मार्चिंग ही करते रहते हैं, चाहे कितनी भी धूप हो कितनी भी बारिश हो। तो ये पूरा पीछे रेड फोर्ट जैसा इन्होंने बैकग्राउंड है, ये देखो कोई इसमें सलामी भी दे रहा है, तो ये यहाँ पर चलता रहता है। एनीवेज आज संडे के दिन की एक्टिविटीज़ मैं आपको कोशिश करूँगी रिकॉर्ड करके इसमें दिखा सकूँ सारी चीज़ें। मौसम साफ है आज, और ऊपर तो जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पर सर्दी गर्मी का पता नहीं चलता, मतलब नीचे चल के पता चलता है कि हाँ गर्मी है, लेकिन ऊपर तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि गर्मी ऊपर नहीं लगती, हवा चलती रहती है ठंडी, और आजकल सुबह हवा में ठंडक भी है, तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर दिन की शुरुआत हो गई है, आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी संडे, और जो लोग भी नए जुड़े हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुबह के 10 बज रहे हैं और मैंने कुकर में बनाई है ये खिचड़ी, ये एक मिनट, हाँ से ना स्टीम से ये पूरा कैमरा ब्लर हो गया। तो ये मैंने चावल और मसूर की दाल की बनाई है, इसका रीज़न मैं बता दूँ क्यों बनाई है, क्योंकि आज मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने खाना नहीं खाया, तो उनके लिए मैंने खिचड़ी बनाई है। अभी बस इसमें मैं घी का तड़का और मारूँगी, उसमें लहसुन वगैरह और जीरे का तड़का लगा करके, ताकि थोड़ी सी टेस्टी हो जाए। आज मम्मी की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, ये तो सो रही है। खिचड़ी बन के रेडी है और मैं इसे इसमें थाली में परोस रही हूँ, मुँह में पानी आ रहा है देख करके। वैसे मेरे को खिचड़ी पसंद नहीं है, पर ये देखने में काफ़ी टेस्टी लग रही है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैंने ना थोड़ा सा स्मोकी करा इसको, लास्ट में मैंने जो इसमें जीरे का और लहसुन का जो तड़का लगाया है ना, उससे काफ़ी इसमें इसके टेस्ट में बहुत ही कहते हैं ना 4 चांद लग गए, वो हो गया, क्योंकि इसको ना थोड़ा सा मैंने जला दिया था, स्मोकी कर दिया था। तो ये रेडी है, मैं ये मम्मी को देती हूँ खाने के लिए, आई होप मम्मी को पसंद। मैं किचन सेट कर रही हूँ, तो ये जो ड्रॉर है ना, इसके लिए मैं ये लेके आई हूँ, ये शीट मैं लाई हूँ यहाँ से, मतलब थोड़ा आगे किसी ने बताया था काला पत्थर, वहाँ पर बर्तनों की शॉप है, तो उसी में मुझे ये शीट मिली है। और ये शीट कैसे बताऊँ, किस फैब्रिक की है वो भी नहीं बता सकती, प्लास्टिक ही है, बट इसमें ये है कि डायरेक्ट जो हम जहाँ पर बर्तन रखते हैं वो चीज़ गंदी नहीं होगी, ये लगाएंगे तो इसको उठा करके आप बार बार क्लीन कर सकते हो। तो मैं सारे जितने भी ड्रॉर्स हैं ना इसमें बने हुए, सब में मैं ये शीट लगाने वाली हूँ और फिर उसके ऊपर बर्तन लगाऊंगी। तो अभी देखो ये सब फैला पड़ा है, तो मैं इसको क्लीन करने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखो ये शीट, ये जो अंदर के ड्रॉर है ये मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, और इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, और इसको उसमें सेट तरीके से, ये कटलरी आइटम उसके लिए है, तो ये भी क्लीन कर दिया है। बस इसमें मुझे ये चम्मच और ये नाइफ वगैरह जितना भी कटलरी आइटम है इसमें प्लेस करना है, तो मैं इसको कर। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के साथ। तो अभी टाइम वही हो गया, जो उठती हूँ मैं 5 बजे, वैसे तो मैं 4:45 बजे उठ गई थी, पर अभी जो है 5 बज गए हैं, और मुझे ब्लॉग सुबह से शुरू करना अच्छा लगता है, इसलिए उठते ही मैंने अपना कैमरा ऑन करके सीधा बाहर आ गई। सोचा आप लोगों को पहले मैं यहाँ बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ, और उसके बाद आगे के काम जो है वो दिखाती रहूँगी, आज के दिन की एक्टिविटी, आज मेरा शो भी है। तो चलिए फिर अब मैं किचन में जाती हूँ, किचन का काम निपटाती हूँ, फिर निकलना है मुझे। आ गई हूँ मैं किचन में, और आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में ये पनीर, और पनीर मैं बनाऊँगी वो वाला क्या बोलते हैं उसको, कढ़ाई पनीर। मैंने शिमला मिर्च और प्याज कट करके रख दिए है, बाकी प्रिपरेशन भी कर ली है, तो अभी मुझे इसकी रेसिपी वैसे आती नहीं है, तो मैं यूट्यूब से देख करके थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में, वैसे तो नॉर्मल मैं बना सकती हूँ पर मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाऊँगी,
तो दोस्तों सडनली मुझे पता नहीं क्या हुआ कि खाना बनाने के बाद मेरे पेट में इतनी ज़ोर की दर्द हुआ जो कि बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर था। तो मेरे हस्बैंड मुझे सुबह यहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में लेकर के आए हैं और अभी मैं वेट कर रही हूँ डॉक्टर का, क्योंकि डॉक्टर अभी तक आए नहीं है, तो देखते हैं वो क्या बोलते हैं। तो मैंने ये ब्रेकफास्ट यहीं के कैफेटेरिया से पैक करवाया है और अब निकल रही हूँ मैं शो के लिए। अच्छे सुबह इतना पेन हो रहा था कि मैंने खाना नाश्ता किया ही नहीं, नाश्ता बना के आ गई थी पर नाश्ता नहीं किया, तो फिर अभी यहाँ से ये बड़ा सांभर और सैंडविच पैक कराया है, उसे रास्ते में जा कर के खाऊँगी क्योंकि उन्होंने जो दवाई लिखी है ना उसको मेरे को अभी खाना है, तो उसके लिए मैं खाना पहले खाऊँगी उसके बाद मैं दवाई खाऊँगी। ज़्यादा पेन होगा तो फिर मैं पेन किलर खाऊँगी। सुबह सुबह हॉस्पिटल के दर्शन हो गए। अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ पहले से, पहले तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वैसे डॉक्टर ने कुछ चेकअप्स कराने के लिए बोल रहा है, अल्ट्रासाउंड वगैरह, फिर बाद में पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद मैं निकल गई हूँ अपने शो के लिए। वैसे तो मुझे रेस्ट करना चाहिए था पर सुबह सुबह किसी को मना नहीं कर सकती थी, ऑलरेडी उसमें हम लोगों की आईडीज़ वगैरह गई थी और ये G20 का शो था, तो अपनी जगह मैं किसी को रिप्लेस भी नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। शो में मैं पहुंच चुकी हूं और अभी तो यहां पर कॉन्फ्रेंस चल रही है। जैसे ही ये कॉन्फ्रेंस ओवर हो जाएगी, ये फॉरेन डेलीगेट्स हैं, जैसे ये ओवर होगी उसके बाद हमारा परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगा। तो अभी हम सारे आर्टिस्ट रेडी होकर के जस्ट बैठे हैं, कुछ आर्टिस्ट सो गए हैं क्योंकि सुबह के निकले हुए थे और अभी टाइम 2 बज चुका है और अभी तक शो स्टार्ट नहीं हुआ, तो बस वेट कर रहे हैं शो स्टार्ट होने का। और मैं वेट कर रही हूँ शो का पैकअप होने का क्योंकि मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही है, पर क्या कर सकते हैं, जब तक पैकअप नहीं होगा तब तक घर नहीं जा सकते, सो वेट ही करना पड़ेगा। दोस्तों आपको एक गुड न्यूज़ देनी है, जो मैंने आपको ये बेबीज दिखाए थे ना, एक तो बेचारा मर गया था, टोटल 4 थे, इसमें से जो 2 अंडे थे वो तो इसी कबूतर के थे, लेकिन 2 अंडे मुझे कहीं से मिले थे तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे, पर वो उसने किए ने सिर्फ अपने अंडों में से ये निकाले हैं बाहर, तो देखो कितनी जल्दी कितने बड़े हो गए ये। और अभी इसकी मम्मी शायद गई हुई है दाना लेने के लिए, तो आपको एक बार मैं और क्लोजअप दिखाती हूँ। ये देखो अभी इनकी येलो येलो फैदर है, शायद कुछ टाइम बाद फिर ये पूरा प्रॉपर कबूतर जैसे बन जाएंगे, तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। सुबह के 11 बज रहे हैं और आज रक्षाबंधन भी है, लेकिन हम लोग आए हैं यहाँ पर, अग्रवाल हैंडलूम शॉप है ये, घर के पास ही है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ पर्दे वगैरह और सोफ़े के कवर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आज मैं लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि वरना वो सोफ़े ना गंदे हो रहे हैं और अच्छे भी नहीं लग रहे ऐसे विदाउट कवर, तो अंदर जा कर के देखते हैं। हम लोग अभी आए हैं डी मार्ट घर का सामान लेने के लिए, बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों का जो भी सामान है ना ख़त्म हो जाता है, खासकर खाने पीने का। तो यहाँ पर आए हैं और मैं अपने हस्बैंड को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। क्या रश ज़्यादा, एक तो आज त्यौहार भी है ना इसलिए भी भीड़ ज़्यादा है यहाँ पर। ये रहे, हाँ जी, ये मिक्स दाल मत लो यार। अब हम लोग आ गए हैं शिप्रा मॉल कुछ, और आज हमारा फुल डे शॉपिंग डे रहा है। अरे यार आज पूरा दिन शॉपिंग, कभी ये शॉपिंग कभी वो शॉपिंग। इसका रीज़न यही था कि मैंने अपने हस्बैंड की स्पेशली छुट्टी कराई, ताकि जितने भी पीछे की शॉपिंग बची हुई थी, क्योंकि साथ में अकेले जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, सामान वगैरह और भी कई चीज़ें थी जिसे मुझे सेल्फ डिसीजन में नहीं ले पाती, तो इसलिए मैंने आज का दिन फुल डे शॉपिंग डे रखा है। और घर जाके आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, ब्लॉग में बने रहना। इसके बाद आए हम होम सेंटर में। आप भी सोच रहे होंगे ये कहाँ से कहाँ घूम रहे हैं, पर कहीं चीज़ें समझ भी नहीं आ रही। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर काफ़ी वैरायटी भी है और क्वालिटी वाइज भी यहाँ पर ज़्यादा बेटर है, तो जहाँ से जो चीज़ अच्छी मिलेगी वहाँ से बोलो वो चीज़ हम लोग लेंगे। तो अभी तो धीरे धीरे समझ में आएगा। अब जैसे हमें मुझे वो भी लेना है, लंच बॉक्स लेना ऑफिस के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मतलब देख के जो समझ में आ रही है कि हाँ यार ये भी ले लो ये भी ले लो, पर सारी चीज़ें सोच समझ के ले रही है, तो देखते कैसे लेते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर,
मिल रही है, काफ़ी एंटीक और काफ़ी क्लासी किचन आइटम्स हो गए या डेकोरेशन आइटम्स हो गए। तो दोस्तों आज की मेरी शॉपिंग करनी तो बहुत कुछ सामान लेना था पर नहीं ले पाई बिकॉज ऑफ शॉर्ट टाइम, तो जितना हो सका मैंने ले लिया। मैंने जैसे बोला था मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है, तो ऐसे कुछ खास चीज़ें तो नहीं है, घर की है, सारा सामान घर का ही है, जिसमें दालें हो गई और छोटा मोटा सॉस या मक्खन घी और कुछ किचन का सामान है, और ये सारी चीज़ें लेनी थी क्योंकि यहाँ पर हवा का प्रेशर इतना तेज़ होता है कि कपड़े ना बिल्कुल कहाँ से काम पहुँच जाते हैं, तो छोटे मोटे कपड़ों के लिए मैंने ये ले लिया। ये मैंने लिया है ये वाला पोछा, पोछा लगाते हैं, आज तक मैंने यूज़ नहीं किया बट ये ठीक है, जैसे कभी कभार हमने लगा लिया क्योंकि यहाँ तो टाइल्स लगी हुई है तो मिनट मिनट में गंदा हो जाता है, तो वन टाइम पोछा काफ़ी नहीं है तो उसमें कर लो। ये लिया मैंने डस्टबिन और छोटा डस्टबिन लिया, ये मैंने रूम के लिए लिया अपने बेडरूम के लिए। फिर ये कुछ कंटेनर लिए हैं, कंटेनर एक्चुअली मुझे कांच वाले चाहिए थे पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं अभी आ गए, मेरी प्लानिंग है कहीं और से लेने की, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ये वाले कंटेनर लिए हैं और ऐसे टिफ़िन बॉक्स लिए हैं। मेरा बेटा मुझे पास कर रहा है, ये कुछ कांच के लिए है, इजीली मतलब इसको रख सकते हैं, और बाकी ये तो वाटर बॉटल है, मतलब मेजर सामान मैंने ये ही लिया है, बाकी तो सारी ग्रॉसरी है आप जैसे देख सकते हो, ऐसे कुछ दिखाने वाला खास नहीं है, फिर भी मैं एक नज़र आपको दिखा देती हूँ ऐसी, तो दिखा दो तो ये सारा सामान लिया है, वही नॉर्मल घर का राशन पानी जो सभी लोग लेते हैं, पर क्योंकि मैं डेली ब्लॉग्स बनाती हूँ और डेली एक्टिविटी दिखाती हूँ तो आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है कि मेरी आज की एक्टिविटी क्या रही, तो आज की एक्टिविटी मेरी यही सब चीज़ें आज शॉपिंग में कुछ निकल गया। अभी भी कुछ सामान, बहुत सारा सामान मिसिंग है, वो आगे आगे जैसे जैसे डेज बढ़ते जाएंगे तब मैं लेती जाऊंगी, उसके लिए मुझे थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, तो बस यही है आज की। तो चलिए इस ब्लॉग को फिर मैं यहीं एंड करती हूँ, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, आगे ऐसे ही मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट पे मैं वीडियोज़ लेके आती रहूँगी, बाकी डेली लाइफ में आपको शो करती हूँ। एक गुड न्यूज़ भी आप लोगों को देनी है, वो बहुत जल्दी मैं शेयर करने वाली हूँ, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, वो गुड न्यूज़ का ब्लॉग बना करके आप लोगों तक मैं वो न्यूज़ ज़रूर पहुँचाऊँगी, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे सपोर्ट करें, और जो लोग सपोर्ट करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रहना, जल्दी मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड